मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 24 अक्टूबर दिन गुरुवार, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर और उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। आज के दिन आप कौन से कार्य को करने से आपको ज्यादा लाभ, ज्यादा मुनाफा, आपके मान सम्मान या स्थिति में वृद्धि करवा सकता है? आज आप क्या करें, क्या ना करें और किन क्षेत्रों में आपको सावधान होकर, सचेत होकर रहने की जरूरत है ताकि आप सचेत हो सकें और आपका दिन बेहतर गुजर सके। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। कर्क राशि वाले जातकों को आज बताना चाहेंगे कि आज आपका कोई नया कार्य आपको नहीं करना है। आज जोखिमपूर्ण निवेश से करने से आपको बचना चाहिए। पूरे दिन किसी से वाद विवाद में ना पड़े, क्रोध पर नियंत्रित आपको रखना चाहिए। संयम से काम लें, आपका काम बनने वाला है। कारोबार सामान्य रहेगा। मनोरंजन कार्य पर आज खर्च ज्यादा हो सकते हैं। आज आपको अपनी प्रतिभा का लाभ मिलेगा और आपकी पहचान बनेगी। नई योजनाएं जो है वो लाभ देगी। धन निवेश में भी आपको मुनाफा बढ़ने वाला है। मित्रों के साथ किसी समारोह में भाग ले सकते हैं। नए कार्य प्रारंभ करने के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आप किसी भी नए कार्य को करना चाहते हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आज का दिन उत्तम रहने वाला है और इसके परिणाम आपको भविष्य में देखने को अवश्य मिलेंगे। मित्रों, आज जो है आज किसी से भी बेफिजूल की बातों पर आप लड़ाई झगड़ा ना कर बैठे और ना ही आपको आज किसी से बहसबाजी करनी है। क्लाइंट के साथ बहस होने की ज्यादा उम्मीद है, इससे आपको बचने की जरूरत है। आज परिवार में आपका माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मित्रों, आज जो है अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह जो है वो पक्का हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि नए कार्य प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मनोबल बढ़ने वाला है। कारोबार में बेहतरी आएगी, नए संपर्क बनेंगे और लाभकारी सिद्ध रहेंगे। परिवार में मेल जोल बढ़ेगा, मित्रों के साथ आनंद की प्राप्ति होगी। आज कई दिनों से रुका पड़ा आपका भाग्य में वृद्धि होगा और आपको बता दें कि धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपके मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। भाग्य का प्रतिशत जो है आज आपका 80% रहने वाला है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी जी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। सुबह सुबह उठते ही गाय के चरण को स्पर्श करें और आप कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने पूर्वजों को जरूर याद कर लें, आपके सारे काम बनेंगे। आपके व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माता।